हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स इन आईटी डिपार्टमेंट, यानी आईटी डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंट्रोल्स। और हमने ये पढ़ लिया था कि ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, हम किसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और उससे हमें कंट्रोल्स के बारे में पता चल जाएगा और वहाँ पर प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारी स्टडी में अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में अगला टॉपिक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये कहती है कि डेटाबेस तो कॉमन डेटाबेस होता है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है आज की डेट में, कॉमन डेटाबेस होता है और ये सेंट्रली अवेलेबल होता है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि किस तरीके से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वहाँ पर कैसे होगी। तो वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस से होगी, एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करके होगी। तो जो आदमी की जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिस एम्प्लॉई की, जो स्टाफ की जो भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, उसी के अनुसार ड्यूटी सेग्रीगेट हो जाएगी। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो हम करते हैं वो बेसिकली लॉजिकल सिक्योरिटी मैकेनिज्म से कर रहे हैं, यानी लॉजिकली सेग्रीगेट कर देते हैं ड्यूटीज़ को, क्योंकि कॉमन डेटा बेस है, फिजिकली तो सेग्रीगेट नहीं कर सकते, लॉजिकली सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एक सेंट्रली अवेलेबल कॉमन डेटा बेस में हमें लॉजिकली सिक्योरिटी को सेग्रीगेट करना पड़ेगा और इस तरीके से हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारी स्टडी कहती है कि एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दो, डेटाबेस के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दो, यानी कहने का मतलब यह है कि पासवर्ड्स होंगे, लॉजिकल सिक्योरिटी का मतलब यह है पासवर्ड्स होंगे, पासवर्ड्स के बाद ही डेटाबेस में आप जा सकते हो और लॉजिकली जा सकते हो, यानी और उसके बाद क्या है कि पासवर्ड्स होंगे तो वो आपको आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के को जिस एरिया में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया में आपको उस डेटाबेस के उस पार्ट का एक्सेस दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रेडिट मैनेजर है और एक वेयरहाउस क्लर्क है, तो वेयरहाउस से तो सामान जाता है, तो वेयरहाउस क्लर्क को क्रेडिट लिमिट के बारे में पता होना है कि कोई ज़रूरत नहीं, किस किस आदमी की 60 डेज है, किसकी 30 डेज है, किसकी 90 डेज क्रेडिट लिमिट है, उसको पता होने की ज़रूरत नहीं। तो जब अपने सिस्टम को डेटाबेस को ओपन करेगा, एक्सेस करेगा, जब वो अपने सिस्टम को ओपन करेगा तो डेटाबेस उसको क्रेडिट लिमिट नहीं दिखाएगा, क्रेडिट लिमिट क्रेडिट मैनेजर को दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से पासवर्ड को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, किसके थ्रू, पासवर्ड के थ्रू एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लॉजिकल सिक्योरिटी के थ्रू, पासवर्ड्स के थ्रू। तो रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल को अप्लाई कर सकता है, टर्मिनल डिवाइस से हो सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टर्मिनल डिवाइस है उससे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी। अगर पासवर्ड दूसरे टर्मिनल डिवाइस से डाला गया, लॉग इन पासवर्ड दूसरे से डाला गया तो इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं होगी। तो आप रिस्ट्रिक्शंस इंडिविजुअल के नाम पर लगा सकते हो, इंडिविजुअल के डेजिग्नेशन के पर लगा सकते हो, टर्मिनल डिवाइसेस पर लगा सकते हो और पर्टिकुलर प्रोग्राम्स पर लगा सकते हो। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं लॉजिकल सिक्योरिटी के, यहाँ पर आप लगाओगे कि पासवर्ड कैसे चेंज करना है, सीक्रेसी कैसे मेंटेन करनी है पासवर्ड की, अगर मान लिया कोई सिक्योरिटी वायलेशंस हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लॉग्स होंगे सिक्योरिटी वायलेशंस को कैसे हैंडल किया जाए, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। और जब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रिलेटेड पासवर्ड एक पर्टिकुलर ही टर्मिनल से काम करेगा और वहीं से प्रोग्राम और डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑथराइज्ड यूज़र ऑथराइज्ड टर्मिनल से प्रोग्राम को एक्सेस, अमेंड या डिलीट कर सकता है, या फिर ऐसा है कि मालूम पड़ा अगर आप इंडिविजुअल के नेम पर कॉन्फिगर कर रहे हो तो वही एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से कई तरीके वेरिएशन हो सकते हैं पासवर्ड के लॉजिकल सिक्योरिटी के वेरिएशन हो सकते हैं, एक्सेस वेरिएशन इसे इन्हें हम कह सकते हैं। और ये एक्सेस वेरिएशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक्सेस वेरिएशन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्रिएट करते हैं। उसके अलावा हमारी स्टडी ये कहती है कि यूज़र ऑथराइजेशन टेबल होती है, मतलब ऑथराइजेशन टेबल का यूज़ अगर आप कर रहे हो तो उसमें होता है, उस ऑथराइजेशन टेबल में एक्सेस मैट्रिक्स होता है कि किस किस को क्या क्या डेटा दिया जाएगा, तो उसके थ्रू आप लॉजिकल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन हमारी स्टडी ये भी बताती है, अगर मान लिया सपोज एक्सेस प्रोसेस वो एक्स जो आपने ऑथराइजेशन टेबल है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या आपने उसमें डेटा गलत तरीके से फीड कर दिया तो इम्प्रॉपर एक्सेस हो जाएगी, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये चीज़ ऑडिट करते समय आपको देखनी पड़ेगी कि जो सेंट्रली लोकेटेड आईटी के रिसोर्सेज हैं, जैसे कॉमन डेटाबेस है, तो वहाँ पर किस तरीके से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी अप्लाई कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारी स्टडी कहती है कि अगर मान लिया सपोज एक डेटाबेस है, तो उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। हम एक डेटाबेस है तो उसका लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उस सिचुएशन में चलते हैं जहाँ पर जहाँ से हमने उसे डिज़ाइन करना स्टार्ट किया, तो डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया और बाद में हम उसे ऑपरेट करने लगे, तो यहाँ पर भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। अगर मान लिया टेक्निकल पर्सन, डिज़ाइन पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन और यूज़र पर्सनल जो हैं, जितने भी यूज़र, नॉर्मल यूज़र एम्प्लॉई जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉई जो हैं, टेक्निकल एम्प्लॉई जो हैं, डिज़ाइन एम्प्लॉई जो हैं, इनमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। डिज़ाइन एम्प्लॉई जो है वो ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बहुत ज़रूरी है और उसी की वजह से कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी डेटाबेस की मेंटेन की जा सकती है। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी और इंटेग्रिटी, जहाँ भी डेटा आएगा वहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्लीटनेस, वो डेटा की कंप्लीटनेस होनी चाहिए, डेटा की एक्यूरेसी होनी चाहिए, डेटा की वैलिडिटी होनी चाहिए और डेटा की इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो ये सारी मेंटेन करना करने के लिए वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि अगर मान लिया एचआर का डेटा है, तो जैसे किसी एम्प्लॉई का डेटा है, तो एम्प्लॉई का डेटा है जो है उसका एम्प्लॉई कोड होगा, उसका नेम होगा, उसका बैंक अकाउंट नंबर होगा, उसका बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें जनरली आदमी को व्यू परमिशन होनी चाहिए। उसको चेंज करने की परमिशन केवल एक बंदे को होनी चाहिए या ऐसे बंदे को होनी चाहिए एचआर के एक पर्टिकुलर स्पॉक को होनी चाहिए, तो वो स्पॉक उसको चेंज कर सकता है, बाकी कोई और चेंज नहीं कर सकता है उसे। तो बाकी लोगों को व्यू की परमिशन होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी स्टडी ये बोलती है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती है, तो कई बार नई जॉब डेजिग्नेशंस उभर के आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा है तो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पैदा हो जाता है, तो जैसे नई डेजिग्नेशन और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कंप्यूटर इन्वायरमेंट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो वहाँ पर नई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नए डेजिग्नेशंस होते हैं, नए रूल्स होते हैं, नए रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल डेटा बेस आया तो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर आया, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा डेफिनेशन की, उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको एफिशिएंट रूप से चलने की, चलाने की, और डेटा बेस के कंटेंट को, जो भी कंटेंट है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी उसमें इंटेग्रिटी मेंटेन करने की होगी। तो एक पर्टिकुलर डेटाबेस आया और वहीं से एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या जॉब, एक नया जॉब पैदा हुआ जिसका नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसी तरीके से मालूम पड़ा नए नए डेजिग्नेशंस, नए नए रूल्स जो हैं वो पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वेब है, अगर कई कंपनी में वेब प्रोग्रामर्स होते हैं, वेब जो आपका वेबसाइट को, आपकी कंपनी की वेबसाइट को ऑनलाइन करके रखते हैं, हर समय वेबसाइट अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसके लिए वेब प्रोग्रामर्स होते हैं। तो ये नए डेजिग्नेशन से, नए रोल्स हैं ये उभर कर आ रहे हैं, और ये नए रोल्स इस जो भी उभर के आ रहे हैं उन्हें हमें ये देखना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, और यहाँ वहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, सॉरी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वायलेट नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ देखी जाएगी। इसके बाद हमारी स्टडी जो है डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताती है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंस्टॉल करना, अपग्रेड्स आ रहे हैं तो अपग्रेड्स करना, माइग्रेशन करना है तो माइग्रेशन करना, कोई करेक्टिव स्टेप है, कोई ट्रबल शूटिंग है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये काम करेगा। और अगर मान लिया सपोज कोई हार्डवेयर का सिलेक्शन है, सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन है, तो इसके लिए बताएगा कौन सा हार्डवेयर सेलेक्ट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है, डेटाबेस की प्लानिंग करेगा, उसके स्ट्रक्चर की प्लानिंग करेगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और डेटाबेस कंट्रोल्स को डॉक्यूमेंट करेगा, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा। तो उसके अलावा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास कंप्लेंस आ सकती हैं कि भाई मैं पर्टिकुलर क्वेरी जो है उसको ठीक तरीके से क्वेरी नहीं कर पा रहा हूं, और उसका जो उससे क्या होगा कि यूज़र जो है फीडबैक देगा, फीडबैक देकर रिट्राइवल मेथड्स और रिट्राइवल मेथड्स क्या होनी चाहिए इसका
यूज़र के साथ कंसल्ट करके रिट्राइवल मेथड्स डिटरमाइन करेगा कि क्या होनी चाहिए रिट्राइवल मेथड्स। उसके अलावा क्या है कि सिक्योरिटी प्रोसीजर्स के बारे में सोचेगा, पॉलिसीज़ के बारे में सोचेगा, अगर कोई डेटाबेस का डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसमें उस टाइम पर कैसे रिकवरी होगी, इसके बारे में प्लानिंग करेगा, इसके उसका डॉक्यूमेंटेशन रखेगा। सारे मेजर मॉडिफिकेशंस जो भी होंगे डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, डेटाबेस में सारे मेजर मॉडिफिकेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। उसके बाद अगर मान लिया इनिशियली इंप्लीमेंट कर रहा है तो डेटाबेस डिज़ाइन को फाइनलाइज वही करेगा कि क्या डिज़ाइन होगा डेटाबेस का, और अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो डेटा की तो वो एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करेगा। उसके बाद जो DBMS की लाइब्रेरी है उसको एडिकेटली कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या है कि सिक्योरिटी लॉग्स देखेगा, लॉग्स सिक्योरिटी लॉग्स को रिव्यू करेगा, अगर मान किस व्यक्ति ने डेटाबेस में एक्सेस की है वो सारे लॉग्स रिव्यू करेगा, सही ऑथराइज्ड एक्सेस हुई अनऑथराइज्ड एक्सेस हुई। उसके बाद अगर लाइब्रेरी DBMS लाइब्रेरी में कोई चेंजेस हैं उसको अप्रूव करना, उनको लॉग करना उसका काम होगा। उसके अलावा कोई बैकअप या परफॉर्मेंस रिकवरी है उसे करेगा, अगर कोड्स कोई नए कोड्स लिखने हैं उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद क्रिटिकल मिशन डेटाबेस की अवेलेबिलिटी कराएगा, यानी कि वो ये देखेगा कि जो क्रिटिकल मिशन क्रिटिकल डेटाबेसेस हैं यानी इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस हैं उसकी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक में क्या है एम्प्लॉई का अकाउंट, एम्प्लॉई का बैलेंस, वो बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस वो मिशन क्रिटिकल डेटाबेस में आएगा तो उसकी हमेशा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो देखेगा कि उसकी अवेलेबिलिटी है। उसके अलावा लाइसेंसेस मैनेज करेगा, कैपेसिटी प्लानिंग करेगा, तो ये सारे डेटाबेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि एक डेटाबेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनेज कर रहा होता है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस डेटा को मैनेज करने की, वहाँ पर कौन अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसमें लॉग्स को रिव्यू करना, पॉलिसीज़ देखना, कंट्रोल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंस्टॉल सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, डेटाबेस से अगर कोई क्वेरी रन हो रही है डेटा रिट्राइवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटाबेस की लाइब्रेरी बाद में जो डेटाबेस होगा उसमें पुराने जो डेटा होगा डेटा लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी में एक्सेस केवल ऑथराइज लोगों के को हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, कोई लाइसेंस लेना है उसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेना है, अगर मान लिया आपके पास कोई डेटाबेस है उसमें कोई नया सॉफ्टवेयर है उसका लाइसेंसेज हैं उनको मैनेज करना, कैपेसिटी प्लानिंग को मैनेज करना, इन सब को मैनेज करने का काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। इसके अलावा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को अगर देखा जाए तो एक डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, एक डेटाबेस DBA होता है और DA भी होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा, डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, लेकिन डेटा एडमिनिस्ट्रेटर रेगुलरली उसे एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहा होगा, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़ा सा मैनेजमेंट के नज़दीक होगा। यानी कि कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बहुत सारे डेटाबेस होते हैं तो उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रख दिए जाते हैं, लेकिन एक डेटा एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाता है उनके ऊपर ताकि मैनेजमेंट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में एक जो गैप है वो ना रहे, क्योंकि अगर कई डेटा बहुत सारे डेटा हैं अलग अलग टाइप के डेटा हैं तो कई कई टाइप के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रखने पड़ते हैं, वहाँ पर फिर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, एक डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। तो हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया होता है, एक्सटर्नल स्कीमिया होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये स्कीमिया कौन डिटरमाइन करेगा, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर डिटरमाइन करेगा, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट होता है, कई बार मिडिल मैनेजमेंट और कई बार सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट होता है, तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया वो बनाएगा, यानी कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया मतलब पेपर में जो स्कीमिया जो एब्स्ट्रैक्शन जो बनाएगा वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, एक्सटर्नल स्कीमिया कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया ये सारी चीज़ें जो हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, तो वो स्ट्रेटेजिक डेटा प्लानिंग करेगा, अगर बहुत सारी डेटाबेस हैं तो उनकी स्ट्रेटेजिक डेटा प्लानिंग करेगा कि वो देखेगा पैटर्न देखेगा कि कौन डेटाबेस कब यूज़ हो रहा है कितना यूज़ हो रहा है, उसी के अनुसार वो फ्यूचर कैपेसिटी के लिए प्लान करेगा कि फ्यूचर में बाकी डेटाबेस खरीदने हैं कि नहीं खरीदने, बाकी सॉरी सर्वर खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट किया जा सके। तो बेसिकली उसका काम जो है वो हायर लेवल काम है, स्ट्रेटेजिक लेवल काम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल डेटा रिटायरमेंट पॉलिसी, अगर डेटा पुराना हो गया है
तो या तो वो आर्काइव में रखा जाएगा या वो डेटा जो है किसी काम का नहीं है। अगर मैनेजमेंट एक पॉलिसी बनेगी कि कोई डेटा को 8 साल के लिए रिटेन करना है या 10 साल के लिए रिटेन करना है, उसके बाद फिर वो डेटा काम का नहीं होगा। तो स्पेसिफिक रिटायरमेंट पॉलिसी होगी डेटा की। उसके अलावा कई बार क्या हुआ, एंड यूज़र रिक्वायरमेंट देखेगा, डेटाबेस टूल टेस्टिंग और करेगा। उससे क्या है कि डेटाबेस किस कितनी कैपेसिटी तक यूज़ हो रहा है, कहाँ तक यूज़ हो रहा है, क्वेरी सही तरीके से दीजिए आ रही है, आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर करता है। इवन एंड यूज़र का पैटर्न, किस तरीके से यूज़ का पैटर्न है, ये सारी चीज़ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्टैंडर्ड्स फ्रेम करता है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स पॉलिसीज फ्रेम करता है, लोगों को अवेयर कराना का काम डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। इसके बाद हमारी स्टडी जो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बारे में बताती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी और दूसरे यूनिट्स और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी के बीच में सेग्रीगेशन कैसे होगी। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आईटी फैसिलिटी होती है और साथ में क्या होता है, आईटी का यूज़ किया जा रहा होता है, लेकिन कई जगह ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पहले आप बुक कीपिंग करते होते हो, तो उसमें अगर मान लिया सपोज किसी वेंडर का चेक बनाना है, तो एक आदमी वेंडर रिकंसिलेशन करेगा। वेंडर रिकंसिलेशन करने के बाद वो अपने बॉस को बताएगा ये वेंडर रिकंसिलेशन है, तो वो कहेगा कि भाई दूसरे बंदे को दूसरे रिसोर्स से बोलेगा कि एक चेक बना दो। अब क्या दो अलग अलग बंदे दो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर क्या होता है कि सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाते हैं, और सिस्टम इस लेवल तक ऑटोमेटेड हो जाते हैं कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि इतने 30वें दिन चेक ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए। 30 दिन तक वेंडर तीसरे 30th डेज तक जो एंट्री डल गई, और उसके बाद 5 तारीख को वेंडर रिकंसिलेशन होगा, वो ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन होगा और ऑटोमेटिकली चेक प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं हो पाई। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो प्रोग्राम ने ऑटोमेटिकली चेक प्रिंट कर दिया, यानी कि आदमी आपने वहाँ से गायब कर दिए, बीच पूरी चेन में आदमी गायब हो गए और सिस्टम ऑटोमेटिक है, एंट्री हो रही है और ऑटोमेटिक चेक बन रहा है, एक पर्टिकुलर डेट को ऑटोमेटिक उसका लॉजिक ऑटोमेटिकली चेक बना दे रहा है। तो इस केस में क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल नहीं है हमारी स्टडी कहती है। और हमारी स्टडी इसके आगे ये भी बोलती है कि ये भी बताती है कि इन पर्टिकुलर केसेस में हमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोग्राम और उसको चेंज करने वाला जो बंदा है, प्रोग्राम रन करने वाला और प्रोग्राम को चेंज करने वाला, यानी कि डेवलपमेंट टीम और जो प्रोग्राम में काम कर रही है वो टीम, वो दोनों सेपरेट होनी चाहिए, वो दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए।